ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੌਜਵਾਨ 23 ਸਾਲਾ ਸੁਨੀਤ DBZ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੰਨੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁੰਵਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ। ਸੁਨੀਤ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,780 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਸੁਨੀਤ ਜੰਮੂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਹਿਮਲਿੰਗਲਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। हम सनीत डिवीज़न में केरला से आ रहे हैं। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। हमारा देश का प्रतीक और सोल्जर का प्रतीक है। कन्याकुमारी से कश्मीर सेना टू ड्रग से हमारा मैसेज जा रहा है। अभी 7 महीना हो गया, 4,719 किलोमीटर का ज़्यादा हो गया। अभी मैं इधर पंजाब से इधर मंदिर में पंजाब में पूरा परमानंद आदेशपुरी मंदिर में मैं कल इधर आएगा, पूरा व्यवस्था हमको रेडी करेगा। और अभी पंजाब से क्या बोलेगा, पूरा अच्छा जगह है, पूरा आदमी भी अच्छा है। मैं इधर बोलेगा पंजाब में कोई आदमी भूखने नहीं मर गया, इधर इतना सपोर्ट भी है और इतना व्यवस्था भी है। मैं केरला से आ रहा हूँ, मैं पूरे नीचे से आ रहा है। अभी हम इधर कोई जाति ऐसा वाला कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पूरा आदमी इक्वल है, हमको भी अच्छा देखने का अच्छा है। और मैं कश्मीर जा रहा है, कश्मीर में लद्दाख मिंगला जा रहा है, पता नहीं इधर आएगा तो अच्छा है। वर्ल्ड पूरा दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट रोड में जा रहा है मैं, बॉर्डर में लद्दाख बॉर्डर, वाह चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर बॉर्डर इलाका ओके अच्छा जा रहा है, आ गया तो अच्छा है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट भी है, पूरे दुनिया में इतना दूर चलेगा तो फर्स्ट है। हम सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियर डिजाइनिंग कदम हो गया, अभी मैं ये राइट कदम आ गया तो थोड़ा काम करेगा। आज हमारे साथ हैं केरला के कन्नूर से चले ये 23 साल के युवा सुनीत, जो नौजवान एक युवा एक संकल्प लेके चला है। जब देखा कि देश की जो भावी पीढ़ी है वो पूरी तरह नशे से ग्रस्त हो चुकी है, इस नौजवान के दिल में एक जो जली कि पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने का इसने संकल्प लिया। आप देख रहे हैं कि एक टायर के साइकिल पे ये चल रहा है और कन्याकुमारी से लेकर ये कश्मीर तक जा रहा है और लोगों को संदेश दे रहा है कि से नो ड्रग्स, कि ना नशा किया करो और ना ही नशा करने दो। उसके साथ साथ जो एक वुमेन वायलेंस है वो भी संदेश दे रहा है कि जो हमारी नारी जाति है उसका सारे सम्मान करें। जो हालात देश में बन रहे हैं उसको लेकर मुझे चिंतित है कि जैसे कोलकाता की घटना हुई, कैसे कैसे उनको प्रताड़ित किया गया उस बच्ची को, उसको लेकर ये चिंतित है। दूसरा, इसके मन में एक सपना था कि ये खुद एक सैनिक बनना चाहता था, लेकिन कहता है सैनिक तो नहीं बन पाया, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ये कश्मीर भ्रमण में जाएंगे और जो लेह का सबसे ऊपर चोटी है ग्लेशियर तक ये लड़का जाएगा और वहाँ देखेगा जाके कि हमारे जो सैनिक हैं किन हालातों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। नशा जो है जिसमें हमारी युवा पीढ़ी डूबती जा रही है, उस युवा पीढ़ी को ऐसे नौजवानों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज हम परमानंद मंदिर में बाबा जी ने अच्छे तरीके से इनका स्वागत किया, इन्हें यहाँ पे रात रखा और बड़ी सेवा करी इस बच्चे की और बाबा जी ने पूरा आशीर्वाद दिया। मैं समझता अगर ऐसे बच्चे कहाँ केरला और कहाँ कश्मीर जा रहा है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर जा रहा है, हाथ में तिरंगा है। सो ऐसी जोत, ऐसा देशभक्ति का जज्बा जो है, इससे देश की भावी पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो अभियान, जो एक नशा मुक्त भारत का इस बच्चे ने, मेरे भाई ने सपना देखा है, संकल्प करना चाहिए कि इससे प्रेरणा लेकर वो भी नशे को ना कहें और राष्ट्र निर्माण में अपना जो है बहुमूल्य योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।